हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात करेंगे हम ऑडिट प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है और ऑडिट में भी स्टैट ऑडिट के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि बेसिकली होता किस तरीके से है और होता कहाँ पर। बिग फोर की मैं बात कर रहा हूँ, बिग फोर में स्टैट ऑडिट किस तरीके से होता है, ठीक है। डोमेस्टिक फॉर्म्स में किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वो अभी बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन अगर मैं बिग फोर के स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो हम पढ़ते हैं, अगर आईपीसीसी या सीए फाइनल के अंदर अगर आपने ऑडिट पढ़ा हो तो उसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं जो कि मेरे को स्टैचुरी ऑडिट के अंदर फॉलो करने होते हैं। तो वो सारे जो हम पढ़ते हैं पूरे एग्जैक्टली, मतलब मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जो भी उसमें लिखा होता है सबका सब फॉलो होता है बिग फोर फर्म्स के अंदर। तो हम उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वहाँ पर ऑडिट किस तरीके से होता है, उसको हम समझेंगे एक। और ये जो ऑडिट हम समझेंगे, ऐसा नहीं चाहता मैं कि आप बोर हो जाओ इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम जो ऑडिट समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ करेक्टर लेंगे और स्टोरी की तरह समझेंगे कि बेसिकली ऑडिट होता किस तरीके से। तो अभी क्या है, मैं वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे को जहाँ पे लगेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर तक बहुत है, और उस हिसाब से, अपने हिसाब से मैं वहाँ पे कट करके उसको एडिट कर दूंगा और उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेन प्रोस्पेक्टिव यह है कि हम ऑडिट की अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप कर सकें, मतलब किस तरीके से बिग फोर में किस तरीके से ऑडिट हो रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि यार मैंने भी जब इनिशियल जब आर्टिकल शिप स्टार्ट करी थी तो एक मीडियोकर फर्म से करी थी, ठीक है। तो मेरे को भी लगता था यार मीडियोकर फर्म में ऑडिट जिस तरीके से हो रहा है क्या वैसा ही बिग फोर के अंदर ऑडिट होता है ना। तो मेरे भी एक ये मतलब कंफ्यूजन थी कि बिग फोर में किस तरीके से होता है, वाई बिग फोर का इतना क्यों हुआ बना रखा है, ठीक है। तो मेरी भी एक कंफ्यूजन थी, तो उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपके लिए जो जानना चाहते हैं बिग फोर में किस तरीके से ऑडिट होता है उन सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हम कुछ करेक्टर का एग्जाम्पल लेंगे, तो हमारी इस कहानी के अंदर जो पहले करेक्टर है वो है मिस्टर चेतन जो है वो रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस्टर चेतन ने जो अपनी आर्टिकलशिप करी है वो एक मीडियोकर फॉर्म से करी है, एक डोमेस्टिक फॉर्म से करी है। और चेतन जैसे ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो बिग फोर में अपना एंट्री लेते हैं। पहला दिन होता है, जाते हैं ऑफिस में, अपना बिग फोर के ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं, मतलब कि चकाचौंध, मतलब बड़े बड़ी बिल्डिंग है गुड़गांव की, ठीक है, साइबर सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और देख के वो हैरान हो जाते हैं, जब एंटर करते हैं देखते हैं इतने सारे लोग, डोमेस्टिक फॉर्म जो होती हैं वो इतने लोग नहीं होते उसके अंदर। जब बिग फोर में जाते हैं वो देखते हैं कि हजारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन बिग फोर, तो वो देख कर ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एचआर जो होती है वो बताती है कि आपका पहले इंडक्शन होगा, आपके पहले ट्रेनिंग होगी, हम आपको कहीं भी भेजने से पहले आपको ट्रेनिंग देंगे। तो चेतन कहता अच्छा। चेतन जाता है, ट्रेनिंग लेता है, कुछ दिन तक ट्रेनिंग उसकी चलती है चेतन की। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है चेतन की, चेतन जब ऑफिस जाता है अगले दिन, तो चेतन के पास एक कॉल आती है। कॉल किसकी होती है, उसके अगले मैनेजर की। तो जो अगला मैनेजर है उसका करेक्टर का नाम है मोहिनी, ठीक है। मोहिनी कॉल करती है चेतन को, तो जो मोहिनी है कॉल करती है, वो कहती है कि आपको अभी कुछ दिनों के अंदर आपको एक ऑडिट के ऊपर जाना है जो कि स्टैट ऑडिट है, ठीक है। अब ये मानते हैं कि जो ये महीना चल रहा है, ये मार्च का महीना चल रहा है और मोहिनी बोलती है कि आपको एक स्टैट ऑडिट पर जाना है, मतलब बस ये बोलती है मोहिनी और फोन रख देती है, ठीक है। चेतन के पास तुरंत कुछ टाइम बाद एक मेल आती है, मेल में लिखा होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस मेल लिखा होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि जो कंपनी का नाम होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके बारे में ये लिखा होता है कि आप शेयर होल्डिंग तो नहीं है, आपके रिलेटिव के पास तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हमारी इंडिपेंडेंस वाली चीज़ होती है वो एक्चुअल में उसके पास एक मेल आती है। इंडिपेंडेंस में एक कंफर्मेशन होती है कि क्या आप उस एंटिटी के इंडिपेंडेंट हैं, आपको कंफर्म करना है। ऐसा तो नहीं है पता चल रहा है कि आपके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के अच्छे खासे, 50% आपके पास शेयर्स हैं, 10% आपके पास शेयर्स हैं, अच्छे खासे अमाउंट के शेयर्स हैं आपके पास, और आप उस शेयर को होल्ड करते हैं और तभी भी आप उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपकी एक इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन ली जाती है, जिसकी आपको कंफर्मेशन देनी होती है बिफोर प्रोसीडिंग एनी वर्क, ठीक है। इवन आपको कुछ बताया भी नहीं जाता उसके क्लाइंट के बारे में, बिफोर प्रोसीडिंग आपको सबसे पहले आपके पास कंफर्मेशन इंडिपेंडेंस मेल आ जाती है, आपको वो कंफर्म करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं,
कि हम जो जो भी हम लेंगे यहाँ पर, ऐसा कोई एसेज या ऐसा कुछ रेफर नहीं करेंगे, बट आपने जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगा आपको, कहीं ना कहीं आपने एसेज में ज़रूर पढ़ी होगी। जब भी आपने एसेज पढ़े होंगे तो आपने कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस मिलेगा उसका। तो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिकली सोचना है, समझना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस की मेल आती है, चेतन देखता है, चेतन पहले तो है सोचता है यार ये क्या कर रही है, मैंने क्या कर दिया गुनाह, ठीक है। बट उसको रीड करता है, समझता है, अपने आसपास के लोगों से पूछता है और उसको कंफर्म कर देता है, ठीक है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कंपनी में ऐसा कोई मेरी शेयर होल्डिंग नहीं है, डायरेक्टरशिप नहीं है, और मैं कोई भी मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो चेतन की ये बात हो जाती है, चेतन के पास फिर एक कॉल आती है मोहिनी की। मोहिनी बोलती है कि चेतन आपको कल मॉर्निंग में आना है, ठीक है, मॉर्निंग में आपको कल आना है। मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में चेतन गया, तो चेतन जब गया तो वो देखता है कि एक मीटिंग रूम में उनको बुलाया गया था, ठीक है। मीटिंग रूम में जब उसके अंदर बुलाया है, तो जैसे ही वो घुसता है तो देखता है वहाँ पे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 5-6 लोग जो बैठे हुए हैं, वो बेसिकली एक जो है वो मोहिनी बैठी हुई है, बाकी 3 उसके अदर टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं जो कि मोहिनी ने सेलेक्ट करे हैं, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिट जो मोहिनी ने वो सेलेक्ट करे हैं बंदे, और एक चौथा कौन है, चेतन अपना, ठीक है। तो जो 3 बंदे हैं उनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं सोनू, मोनू, पप्पू। तो 3 बंदे हैं, सोनू जो है एक लेवल पर है। अच्छा, इसमें लेवल की हायरार्की समझ लेते हैं पहले, कि बिग फोर के अंदर लेवल की हायरार्की क्या होती है। सबसे पहले होता है पार्टनर, उसके बाद होते हैं डायरेक्टर्स, उसके बाद होता है सीनियर मैनेजर, उसके बाद होता है मैनेजर, उसके बाद होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर एसोसिएट, या फिर उसके बाद एसोसिएट, उसके बाद हमारे आर्टिकल और ट्रेनी। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। तो वहाँ पे जब जैसे ही एंटर करता है हमारा चेतन, तो वो देखता है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर बैठा हुआ है, यानी कि पार्टनर बैठा हुआ है एक, और मोहिनी जी बैठी हुई हैं, और 3 बंदे बैठे हुए हैं जिनका नाम था सोनू, मोनू, पप्पू। अब ये मीटिंग किस चीज़ की थी? ये थी किक ऑफ मीटिंग। अब किक ऑफ मीटिंग क्या होती है? तो सोनू को सबसे पहले तो मतलब चेतन को सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि किक ऑफ मीटिंग क्या है। तो किक ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है या इंगेजमेंट मैनेजर होता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। जैसे उन्होंने जो भी पास्ट जो भी उन्होंने ऑडिट करे हैं, उसका एक्सपीरियंस बताएगा कि यार ये इंडस्ट्री किस तरीके से है, किस तरीके से काम करती है, कंपनी के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, हमारी क्या पिछला बैकग्राउंड रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो कंपनी का नाम है वो है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, जो कंपनी इंडस्ट्री में काम करती है, वो करती है चावलों की इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि चावल बनाती है वो इंडस्ट्री, ठीक है, पैडी से चावल को कन्वर्ट करती है। तो कंपनी का नाम है मान लीजिए ABC चावल वाला प्राइवेट लिमिटेड, ABC चावल वाला प्राइवेट लिमिटेड। अब इंगेजमेंट पार्टनर उस किक ऑफ मीटिंग के अंदर क्या बोलेंगे, उसको बताएंगे, सबको बताएंगे, जितने भी हैं सोनू, मोनू, पप्पू और जो चेतन है, उन सबको बताएंगे कि भैया हमारा किस तरीके का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। उसके बारे में इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस चावलों के बारे में बताएंगे, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। कुछ भी उनके डाउट्स होंगे उन चारों के, तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर चारों ने समझ लिया, सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली, तो किक ऑफ मीटिंग के अंदर ये चीज़ें डिसाइड हो गई। और इसके अंदर क्या करा हमने, एक चीज़ और करी कि जो टीम है वो मोहिनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी, 4 बंदों की टीम रहेगी, उसमें से एक रहेगा सोनू। सोनू इज़ लीडिंग दी इंगेजमेंट, मतलब जो भी ग्राउंड के ऊपर जो काम करेगा वो सोनू होगा, यानी कि मोहिनी खुद नहीं जाएगी उसके अंदर, मतलब मोहिनी ऑडिट एग्जीक्यूट खुद से नहीं करेगी, मोहिनी विल जस्ट सुपरवाइज कि हाँ ठीक है सारी चीज़ें ऊपर से हो रही हैं ठीक से। तो जो लीड जो 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 करेगा वो करेगा हमारा सोनू, तो सोनू इज़ लीडर ऑन द ग्राउंड। उसके बाद है हमारा चेतन जो है वो अभी रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें से एक जो है मोनू वो है 3rd ईयर आर्टिकल, और जो पप्पू है वो अभी वो भी फ्रेशर 1st ईयर आर्टिकल है। तो उनको बताया जाता है, उनको बैकग्राउंड दिया जाता है किक ऑफ मीटिंग के अंदर, पार्टनर और इंगेजमेंट मैनेजर अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो उन चारों को देते हैं। उसके बाद चारों हमारे प्लेयर तैयार हो जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपको कल से जाना है पंजाब। पंजाब में है ऑडिट का प्लांट और ABC चावल वाला प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट है पंजाब के अंदर, तो वहाँ पर उनको जाके उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करना है। कल की उनको टाइमिंग दे दी जाती है अगले दिन की, और हमारे चारों धुरंधर निकल जाते हैं ऑडिट के लिए। लेकिन ऑडिट के लिए जब वो निकलते हैं, तो उनको एक बड़ा ही एक अचंभव होता है कि जब चेतन को बोला जाता है कि आपके पास कैब आ जाएगी
सुबह सुबह मॉर्निंग में और आपको वहाँ तक ड्रॉप करेगी पंजाब तक। तो चेतन को लगता है कि यार मतलब कि जब वीडियोग्राफर में काम करते थे तो हमें खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, ट्रेन बुक करते थे, यहाँ पे फैसिलिटी पूरी प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड करी जा रही है। तो उसको चेतन को ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है। चेतन निकल जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह निकलते हैं सारे चारों बंदे और बढ़िया कम्फर्टेबल पहुँचते हैं होटल के अंदर। और होटल 5 स्टार होटल बुक कराया होता है पंजाब के अंदर, और बढ़िया तरीके से वो होटल में स्टे करते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं। और ये सब देखकर सारे के सारे चेतन, पप्पू, मतलब जो हमारे सोनू और मोनू थे, वो तो थोड़े से उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा होगा क्योंकि मोनू इज थर्ड ईयर आर्टिकल और जो सोनू है हमारा वो तो लीड कर रहा है, तो उन्होंने उनके पास पहले से इस चीज़ का एक्सपीरियंस था। लेकिन हमारे जो पप्पू हैं और जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल और मिस्टर चेतन, वो अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन करा है, तो उनके लिए अचंभव होता है यार 5 स्टार होटल में खाना है ना रहना, तो उनके लिए लगता है कि यार ये तो स्वर्ग में आ गए हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद जब वो वहाँ से रात भर रुकते हैं, अपना वहाँ पे गेमिंग करते हैं, पूलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करके सुबह सुबह क्लाइंट के लिए निकल जाते हैं 9 बजे चारों के चारों, और क्लाइंट के पास पहुँचते हैं सुबह सुबह निकल जाते हैं 9 बजे चारों और पहुंच जाते हैं क्लाइंट के पास। जैसे ही क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, फैक्ट्री में घुसते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि कहाँ जाना है। सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि हमें मिलना है मिस्टर फाइनेंस मैनेजर से, ठीक है, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर से हमें मिलना है, और उसका नाम बताते हैं, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर का जो नाम है वो बताते हैं और जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, अपनी एंट्री करवाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास और घुस जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। जैसे एंट्री करते हैं, जैसे ही जाते हैं रूम में बैठते हैं, फाइनेंस मैनेजर को कॉल करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि इस रूम में बैठ जाइए आप। फाइनेंस मैनेजर को से पूछकर उस रूम में वो बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पूरी फाइनेंस की टीम आती है, एक बड़ा सा रूम लेते हैं, जैसे बोर्ड रूम होता है उस तरीके का एक रूम लेते हैं सारे चारों हमारे जो ऑडिटर्स हैं, सोनू मोनू पप्पू एंड चेतन, और जो ऑडिटर की टीम है, सॉरी जो क्लाइंट की टीम है, यानी कि फाइनेंस मैनेजर हो गया, CFO हो गया, उसके जो बंदे हो गए, फाइनेंस कंट्रोलर हो गया, सारी टीम बैठती है। अब यहाँ पे बात होती है कि जो कंपनी की, सोनू पूछता है, सोनू लीड कर रहा होता है, सोनू पूछता है कि आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताइए, आपके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताइए, आपके इन्वॉल्वमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है, आपकी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है, आपकी कंपनी को हमें समझना है। तो जो कंपनी के जो कंट्रोलर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि ये हमारी कंपनी किस तरीके से रन करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें बताते हैं चावलों के बारे में कि चावल की इंडस्ट्री किस तरीके से रन करती है, चावल का कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, चावल के पास चावलों के ऊपर कौन कौन से कंप्लाइंसेज एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कंप्लाइंसेज जैसे अपेडा होता है हमारा एग्रीकल्चर के अंदर, FSSAI फूड लाइसेंस होता है, उसी तरीके से अगर मैं ऑर्गेनिक चावलों में डील कर रहा हूँ तो जैविक भारत नाम से एक चीज़ होती है वो एप्लीकेबल होता है, MPOP, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके अंदर वो कंप्लाइंसेस देखता है। तो बेसिकली सारी इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि कंपनी का किस तरीके का टर्नओवर है, किस तरीके के मतलब एक्सपोर्ट कितना रहता है, कितना डोमेस्टिक सप्लाई रहती है, बेसिकली पूरी इंडस्ट्री की कितनी सप्लाई है एक्सपोर्ट की, डोमेस्टिक की कितनी सप्लाई है, चावल किस किस तरीके के हैं आपके पास, किस किस तरीके की वैरायटी है, चावल बनता किस तरीके से है, कैसे प्रोसेस होता है पैडी से राइस, वो सारी चीज़ समझते हैं, बताते हैं कि हमने इस साल में 2 इन्वेस्टमेंट करी है, हमारी 2 सब्सिडरीज बनी है, वो सारी चीज़ें वो पूरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं और एंटिटी को सबसे पहले वो समझते हैं। उसके बाद हमारा जो सोनू होता है वो बोलता है हमारे फाइनेंस मैनेजर से कि सर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे दो। तो इतने में हमारे जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि सर अभी तो मार्च चल रहा है, मार्च ख़त्म तो होने दो। वो बोलता है कि सर नहीं, मुझे प्लानिंग करनी है अपनी, प्लानिंग करने के लिए मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है कि किस चीज़ की ज़रूरत, वो कहता है सर मेरे को मटेरियलिटी निकालनी है। वो बोलता है अच्छा, फाइनेंस मैनेजर बोलता है अच्छा ओके ठीक है। तो कहता है कि मेरे पास पूरे 12 महीने का तो अभी मैं दे नहीं सकता क्योंकि अभी चल रहा है 25 मार्च और अभी 6 दिन बचे हुए हैं 31 मार्च को भी, उसके बाद भी 10 दिन के बाद मैं फाइनेंशियल आपको दे पाऊंगा पूरे 12 महीने के पहला कट, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 11 महीने का दे सकता हूं। तो सोनू बोलता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, आप दे दीजिए मुझे, मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगा। फाइनेंस मैनेजर को बोलता है मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगा, यानी कि रेवेन्यू आ रहा है अगर मेरा 500 करोड़ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, डिवाइड करूँगा 11 से और मेरा निकल के आ जाएगा पूरे 12 महीने का टर्नओवर, ठीक है, तो एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगा, फाइनेंस मैनेजर को बोलता है और वो फाइनेंशियल ले लेता है। समझने के बाद, इंडस्ट्री को समझने के बाद, ये सारी चीज़ समझने के बाद, उसके बाद वो 2 प्रोसेस अप्लाई करता है। 2 प्रोसेस कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला जो वो प्रोसेस अप्लाई करता है उसके ऊपर सोनू क्या करता है, सोनू ले लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो अप्लाई करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, यानी कि जो भी उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर, खर्चों के अंदर, बैलेंस शीट आइटम में जो भी
डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में वो रीजंस पूछता है। लेट्स से लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था वो था 10,000 करोड़ का, इस साल 15,000 करोड़ का हो गया, तो 5,000 करोड़ का क्या डिफरेंस है, उसके बारे में सोनू बात करेगा मैं फाइनेंस मैनेजर से या फाइनेंस टीम से, अकाउंट्स टीम से, पूछेगा कि इसका रीज़न क्या है 5,000 करोड़ का। तो वो एक तरीके से इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आपने पढ़ा होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हम बोलते हैं एनालिटिकल जो हम करते हैं इसके ना एनालाइज करते हैं और इसका ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके की क्या क्या गलती हो सकती है। ऑन दैट बेसिस अगर हमें ऑन दैट बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस हम नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड जो होता है सोनू वो डिसाइड करता है, ठीक है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड डिसाइड करता है इसके जो भी डिटेल्स पूछने के बाद, जितनी भी हमारी प्लानिंग की डिटेल्स होती है, जितनी भी हमारी जो भी हमारी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, जो भी हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑन दैट बेसिस कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर की। देखिए मैं किसी भी ना टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, टेक्निकल भाषा की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ टेक्निकली कुछ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल सिंपल भाषा में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल ऑडिट किस तरीके से होता है। तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड डिसाइड करेंगे हम लोग, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड आपने सुना होगा, तो नेचर क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे सोनू से पूछ चेतन पूछता है कि सर सोनू सर यहाँ पे ये नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड क्या होता है, हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लिया, किक ऑफ मीटिंग कर ली, हमने टीम डिसाइड कर ली, अब हमें नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सोनू बताता है कि चेतन बेसिकली क्या होता है कि नेचर का मतलब ये होता है कि हमें क्या क्या ऑडिट प्रोसेस करने हैं, ठीक है, टाइमिंग का मतलब ये होता है कि किस समय पर करना है, ठीक है, और जो मेरा एक्सटेंड होता है वो होता है कितना करना है। तो सुचेतन बोलता है कि अच्छा, और पप्पू भी डाउट में, पप्पू को समझ में नहीं आ रहा है अभी, पप्पू थोड़ा सा आर्टिकल है तो वो सुने जा रहा है, ठीक है चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेतन को थोड़ा सा, चेतन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको पता होता है कि सारी चीज़ों के बारे में, तो बोलता है कि सर ठीक है ये सब तो ठीक है लेकिन करेंगे कैसे ये, है ना, मैंने कभी करा नहीं है, मैं मीडियोकर फॉर्म से आया हूं, तो इतना वहां पे इतना कुछ प्रोसेस होते नहीं थे, तो सर थोड़ा सा बताइए मुझे कि बेसिकली होगा किस तरीके से। तो जो हमारे सोनू होते हैं वो बोलते हैं कि यार देख नेचर का मतलब होता है कि हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या होने वाला है। वो बोलता है मतलब, वो बोलता है मैं तेरे को एक समझा देता हूँ, एक काम करता हूँ, तेरे को रेवेन्यू का समझा देता हूँ, रेवेन्यू में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी में तू अब बाकी में जब जब जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे समझते रहिए। चेतन बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को एक बता दो मैं कर लूंगा। हमारा जो मोनू होता है वो साइड में बैठ के गेम खेल रहा होता है, वो कहता है कि भैया मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थर्ड ईयर आर्टिकल हूँ, ठीक है, मैं चैंप हूँ। और उसके बाद फर्स्ट ईयर आर्टिकल सुन रहा होता है बैठे बैठे, वो देख रहा होता है कि यार ये क्या चल रहा है। चेतन जो होता है, चेतन और सोनू बात कर रहे होते हैं, इतने में सोनू बोलता है कि मैं तेरे को बताता हूँ कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो बोलता है कि जो भी मेरे को ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं वो मेरे को देखने पड़ेंगे। वो कहता है कि मतलब, वो बोलता है कि जैसे जो भी तेरे को जितने भी तेरे ऑडिट के अंदर जो भी तेरा बैलेंस शीट हो चाहे P&L हो उसके अंदर क्या होता है कि तेरे पास चाहे वो कोई भी तू एरिया कर रहा है उसके अंदर असर्शन तेरे को इंश्योर करने होते हैं। वो बोलता है सर इसका क्या मतलब है। चेतन बोलता है असर्शन का मतलब ये होता है, सोनू बोलता है कि असर्शन का मतलब ये होता है कि कुछ जो भी तेरे अकाउंट बैलेंसेज हैं, जो भी तेरे ट्रांजेक्शन बैलेंसेज हैं उसके ऊपर कंफर्ट लेना, ठीक है, असर्शन के थ्रू उसके ऊपर कंफर्ट लेता है तू। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर मेरा रेवेन्यू आइटम है तो वो बोलेगा कि यार रेवेन्यू के अंदर हमारे पास जो असर्शन होते हैं वो होते हैं कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो बोलता है कि सर सुनने में तो बढ़िया लगा, है क्या मतलब इसका। तो बोलता है देख यार अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू में जब भी तू जो भी तू प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, जैसे मान ले ऑडिट प्रोसेस, जब तू बोल रहा है कि अकरेंस, यहाँ पर तू बोल रहा है अकरेंस, इसका मतलब ये है कि जब तू सेल्स के सैंपल्स चेक कर रहा है तो वो ट्रांजेक्शन अकर हुई है। बोलता है ठीक है सर, मैं तो वो वाउचिंग बोलते हैं उसको, हाँ वो बोलता है बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका मतलब अगर तू अकरेंस इंश्योर कर रहा है तो वाउचिंग कर रहा है तो तू अकरेंस इंश्योर कर रहा है, कह रहा ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब वो बोलता है कि जब तू रेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि जब तूने इनवॉइस देखा और उसमें तूने देखा 10,000 क्वांटिटी है 100 रुपए के रेट पर, तुम 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करा 10 लाख तेरा आंसर आया, 10 लाख इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है, 10 लाख तेरा परचेज रजिस्टर में लिखा हुआ है, 10 लाख हर जगह पे लिखा हुआ है, PO में लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तेरा जो एक्यूरेसी है वो आ गई है, ठीक है, एक्यूरेसी तेरी आ गई है, इसका मतलब सही है अमाउंट। तो कहता है ठीक है एक्यूरेसी भी समझ में आ गया सर। अब सर ये बताओ ये इसके अंदर जो आपने बोला कि कट ऑफ इसका क्या मतलब है। तो बोलता है कि कट ऑफ का मतलब ये है कि जैसे मान ले कि तूने कोई सेल करी, सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 31 मार्च से पहले, क्लाइंट ने रिकॉर्ड करी 31 मार्च के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कट ऑफ प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, कुछ सैंपल्स लेने होंगे ये चेक करने के लिए कि क्लाइंट ने कट ऑफ अपना इंश्योर कर लिया है। बोलता है ठीक है सर ये भी समझ गया हूँ, ठीक है कोई डाउट होगा तो, चेतन कह रहा है मैं कमेंट करके मैं पूछ लूंगा आपसे, मैंने कहा ठीक है, सोनू ने बोला ठीक है आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से कट ऑफ इंश्योर कर लिया। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर वो बोलता है कि ठीक से प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द इंडिया अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उस तरीके से हमें ये चीज़ देखनी होगी।
ठीक है सर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर समझ गया हूँ मैं, चेतन बोलता है। सोनू बोलता है कि ठीक है अब लास्ट रह गया तेरा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब समझ, कंप्लीटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि मान ले तेरे पास सेल रजिस्टर आया, सेल रजिस्टर तेरे पास आया है, वो तूने सैंपल्स निकालना तो स्टार्ट कर दिए तूने, है ना, अकरेंस के लिए तूने सैंपल निकालना स्टार्ट कर दिए, लेकिन भैया ये तो चेक कर ले कि जो तेरा सेल रजिस्टर का टोटल आ रहा है दैट शुड रिकनसाइल विद योर सेल्स का फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। समझ रहे हैं आप, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरी फिगर आ रही है दैट शुड रिकनसाइल विद योर सेल्स का रजिस्टर। तो ये मेरे पांच असर्शंस होते हैं रेवेन्यू के अंदर। चेतन, अच्छा चेतन समझ गया होगा, सोनू बोलता है तो चेतन बोलता है कि हाँ जी सर समझ गया हूँ मैं, इसमें बढ़िया तरीके से समझाया आपने, है ना, फिर भी कोई डाउट होता होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ही लूँगा आपसे। तो सोनू बोलता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें मैंने सोनू ने इसके अंदर अपना जो असर्शंस है वो समझा देता है, उसके बाद वो खुश हो जाता है, वो चेतन जो होता है उसको समझ में आने लगती है थोड़ी चीज़ें कि हाँ ऑडिट का क्या मतलब है, किस तरीके से बिग फोर के अंदर ऑडिट होते हैं। सोनू क्या करता है, जितनी भी हमारे जो इसने बोला नेचर, तो हर नेचर को वो डॉक्यूमेंट करने लग जाता है कि मैं क्या क्या करूँगा हर किसी के अंदर, ठीक है, हर किसी के अंदर क्या क्या करूँगा, रेवेन्यू में क्या करूँगा, परचेज में क्या करूँगा। तो हमारा चेतन देखता है, पप्पू देखते हैं, कहते हैं कि सर ये क्या कर रहे हो, सोनू को देखते हैं और बोलते हैं सर ये क्या कर रहे हो आप, वो बोलते हैं मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। कह रहा मतलब, हमारे ऑडिट के अंदर बिग फोर के अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट करा नहीं इसका मतलब आपने काम करा नहीं, ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट करा है तभी आपने वो काम करा है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मुंह जवानी बोल दिया, रेवेन्यू बोल दिया कि रेवेन्यू में मैं ये ही करूँगा और आपने वो कर लिया तो दैट डजंट मीन कि आपने वो करा है, ठीक है। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करोगे कोई भी चीज़ को वो ये माना नहीं जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट करा है। सोनू बोलता है चेतन को, चेतन बोलता है अच्छा ऐसा भी है क्या, ओके। तो मीडियोकर फॉर्म में तो ऐसा होता नहीं था, तो बोलता है कि हाँ जी बिग फोर के अंदर ऐसा ही होता है, इस तरीके से आपको करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन। तो सोनू उसको बोल देता है चेतन को, तो चेतन ठीक है, चेतन बोलता है कि ठीक है सर समझ में आ गया है मेरे को। तो अब सोनू क्या करता है, सोनू उसको बोलता है कि आप भी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन करने लग जाते हैं। सारे के सारे जब नेचर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद चेतन फिर से आता है, कहता है सर टाइमिंग और आपने एक्सटेंड नहीं बताया। तो बोलता है टाइमिंग का क्या मतलब है कि आप किस समय पे करना चाहते हो। देखो यार, वो बोलता है, सोनू बोलता है देखिए यार टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आप इंटीरियम पे आओगे इसको, इंटीरियम पे करोगे 6 महीने में एक बार करोगे, क्वार्टरली करोगे इसको, साल में एक बार करोगे। तो बोलता है यार टाइमिंग तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी, ठीक है, तो टाइमिंग हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी, इसलिए हम साल के आखिरी में आए क्योंकि हमें पता था इतनी बड़ी एंटिटी नहीं है, हम आखिरी में साल में आके संभाल लेंगे। बोलता है ठीक है सर टाइमिंग हमने डिसाइड कर ली है। बोलता है एक्सटेंड का क्या मतलब, एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, एक्सटेंड का मतलब ये होता है, सोनू बोलता है कि कितना आपको सैम्पलिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। वो बोलता है सर ठीक है, मटेरियलिटी का क्या मतलब है, आपने वो जो फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहे थे तब भी आपने बोला था मिस्टर सोनू कि हम मटेरियलिटी निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहे हैं। वो बोलता है कि बिल्कुल। तो वो बोलता है कि इसका मतलब क्या है, वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आप मटेरियलिटी मतलब ये होता है कि एक नंबर आप ले लेते हैं, आप एक नंबर ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल, उस बेसिस पे आप बोलते हैं कि इससे ऊपर की कोई भी गलती होगी मैं उसको मटेरियल मानूंगा, इससे नीचे की कोई भी गलती होगी मैं उसको इमटेरियल मानूंगा। कहने का क्या मतलब है, हम कहने का मतलब जो भी है उसको हम समझेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरे सैंपल्स क्या रहेंगे। अब जो मटेरियलिटी निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, या तो मैं किसी को भी बेंचमार्क मान सकता हूँ मटेरियलिटी निकालने के लिए, मैं तो रेवेन्यू को भी मान सकता हूँ, प्रॉफिट पीबीटी को भी मान सकता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, एसेट्स को भी मान सकता हूँ, लाइबिलिटी को भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या उसका जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे चावल की हम इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना उनका ऑब्जेक्टिव है तो हम पीबीटी बेंचमार्क लेंगे, पीबीटी बेंचमार्क लेके उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जनरली इट्स बिटवीन 5-10%, तो उतना हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर, है ना, इसको हम बोलेंगे मटेरियलिटी। मान लीजिए प्रॉफिट हमारा आ रहा है, मान लीजिए 5% की मटेरियलिटी लेकर चल रहे हैं, प्रॉफिट हमारा आ रहा था 10 करोड़ रुपए, तो 5% का मतलब हो गया 50 लाख की मेरी मटेरियलिटी हो गई। इससे नीचे कुछ भी रहेगा तो मैं, इससे नीचे मेरा कुछ भी अमाउंट रहेगा तो उसकी मैं इमटेरियल मानूंगा, गड़बड़ी नहीं मानूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इससे ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, मैं उसको मटेरियल मानूंगा। समझ में आया, तो मैं उसको मटेरियल मानूंगा। तो बोलता है
सोनू बोलता है कि समझ में आया आपको चेतन जी, तो चेतन बोलता है कि हाँ जी सर समझ में आ गया मेरे को कि क्या कहना चाह रहे हो आप, लेकिन सर इसमें हमारा रेवेन्यू कब रहेगा फिर ऑब्जेक्टिव। तो वो बोलता है कि जैसे मान लीजिए स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स में क्या होता रहता है कि उस समय पे कस्टमर एक्विजिशन पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, तो उस समय पे रेवेन्यू बन जाएगा हमारा बेंचमार्क। कह रहा समझ में आ रहा है सर अब मेरे को। तो इस तरीके से असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेरा बेंचमार्क डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं। कभी लोन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर बेंचमार्क डिपेंड करता है। बोलता है कि ठीक है सर समझ में आ गया मेरे को, मटेरियलिटी किस तरीके से डिसाइड करी जाती है। अब मुझे ये बताओ कि अब हमने मटेरियलिटी निकाल लिया, वो बोलता है कि ठीक है सर अब इसके बेसिस पे हम सैंपल निकालेंगे। कहता नहीं, इसके बेसिस पे नहीं निकालेंगे, एक होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। तो बोलता है कि अच्छा सर सुना तो हुआ है मैंने। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है कि क्या मतलब होता है, चेतन से पूछता है। चेतन बोलता है कि मेरे को इतना तो नहीं पता क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए। तो बोलता है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि जिसके जो मटेरियलिटी के ऊपर मैं परफॉर्म करूँगा। बोलता है अच्छा ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जनरली मटेरियलिटी से कम नंबर लिया जाता है सो देट मेरा रिस्क कवर हो सके। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो लिया जाता है जनरली मतलब कुछ परसेंटेज लिया जाता है, हेयर कट एक निकाला जाता है। तो मान लीजिए मटेरियलिटी का मतलब 50 लाख का 75% ले लिया, यानी कि 35 लाख रुपये हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ले लिया जिसके ऊपर मेरे को परफॉर्म करना है, जिसके ऊपर मेरे को सैंपल्स निकालने हैं। कुछ मेथोलॉजी होती हैं सैंपलिंग की, वो अगर आप बोलेंगे तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लंबी मेथोलॉजी होती है। तो उसके बेसिस पे मेरे को सैंपल्स निकालने होते हैं। तो बोलता है कि ठीक है सर, चेतन कहता है कि सर ठीक है समझ में आ गया, अब इसके बेसिस पे मैं सैंपल निकालूंगा। इसका मतलब एक्सटेंट क्या, मतलब क्या हो गया, सैंपल्स निकाले ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। कहता है हाँ जी सर बिल्कुल। तो कहता है चेतन मेरे को समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि ठीक है सर, अब बोलता है कि अब ये क्या करें। इसको बोलता है कि प्लानिंग को, इसको मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट कर लो, कैसे निकाला आपने, क्या आपने थॉट प्रोसेस था, क्या चीज़ें थी, तो वो सारी की सारी चीज़ आप डॉक्यूमेंट कर लो फाइल के अंदर। तो बोलता है कि ठीक है सर। चेतन बोलता है कि फाइल का क्या मतलब है यहाँ पर। वो बोलता है कि जितनी भी हम ऑडिट करते हैं हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ABCD, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ABCD। हम ABCD को क्रिएट करते हैं, ABCD के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं। कह रहा ठीक है सर समझ में आ गया है। तो वो फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं, अपने जो ABCD सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं, मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो बाकी की प्लानिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को पूरे को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो उन्होंने टीम बनाई उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, किक ऑफ मीटिंग को डॉक्यूमेंट करते हैं, क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन हुआ था अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट उसको करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उनको याद आता है कि कंपनी ने जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो कंपनी ने बताया था, जब फाइनेंस मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे थे, सोनू को याद आता है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कंपनी ने बताया था कि हमारे पास इस बार कुछ हमने शेयर्स भी इशू करें हैं, कुछ वैल्यूएशन के ऊपर इशू करें हैं, और जो हमारे शेयर्स हैं वो CCCPS हैं, यानी कि कन्वर्टेबल कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर्स। तो बोलता है कि यार इसके लिए मेरे को वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, वैल्यूएशन के लिए मुझे अपने एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, ऑडिटर एक्सपर्ट की, तो मैं उसको भी इन्वॉल्व करूंगा। तो मैंने प्लानिंग में मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैंने एक्सपर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो मैंने ये प्लानिंग के अंदर लिख दिया, सोनू कहता है। और चेतन को बता देता है कि मैंने अपनी टीम को बता देता है कि मैंने इन्वॉल्वमेंट कर लिया है इस एक्सपर्ट को हमारे टीम में से। एक्सपर्ट को मेल डाल देता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सोनू मेल डालता है एक्सपर्ट को, हमारे जो भी फर्म के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट वैल्यूएशन के, उनको मेल डाल देता है कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो वैल्यूएशन वाले वहाँ से कंफर्म कर देते हैं कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आ जाएंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद, डॉक्यूमेंट करने के बाद, सोनू पहुँच जाता है फाइनेंस मैनेजर के पास। बुधवार बोलता है कि सर मुझे करनी है फ्रॉड इंक्वायरी। फाइनेंस मैनेजर बोलता है किस बात का फ्रॉड भाई। वो बोलता है कि फ्रॉड इंक्वायरी करनी है सर, मेरे प्रोसेस में लिखा हुआ है। बोलता है फ्रॉड हुआ ही नहीं है। कहता है सर मेरे को तो करनी है लेकिन इंक्वायरी। कहता है कि यार जब फ्रॉड हुआ नहीं तो किस बात की इंक्वायरी। तो सोनू को थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या मतलब है। तो मोहिनी को कॉल करता है, मोहिनी को बोलता है कि मैम ये इस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्लाइंट तो बोल रहा है फ्रॉड हुआ नहीं, मैं फ्रॉड इंक्वायरी करवाऊंगा नहीं। मोहिनी कॉल करती है, समझाती है उसको कि भैया ये प्रोसेस होता है, उसको ढंग से समझाती है, प्यार से समझाती है, समझ जाता है हमारा फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद बोलता है कि ठीक है फ्रॉड इंक्वायरी कर लो। बोलता है सोनू बोलता है कि नहीं नहीं आपसे नहीं करनी सर जी, फाइनेंस मैनेजर जी हमें करनी है मैनेजमेंट से। बोलता है कि मैनेजमेंट मतलब कह रहा है कि डायरेक्टर या कोई भी बड़ा बंदा, जो आपके जो CFO हो डायरेक्टर हो उनके साथ हमें फ्रॉड इंक्वायरी करनी है कि कंपनी के अंदर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ उसको लेकर। तो इंक्वायरी करते हैं, पाता है सोनू कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है कंपनी के अंदर। डॉक्यूमेंट करता है, पूरी प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद चला जाता है पार्टनर के पास, जिन्होंने किक ऑफ मीटिंग के अंदर जो मिले थे एक बार। अब पार्टनर बैठे हुए हैं अपने रूम के अंदर, पार्टनर के पास जाता है, बोलता है कि सर मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, मोहिनी को रिव्यू करा ली है, अब आपकी बारी है सर चेक करने की। पार्टनर बोलता है कि सारी चीज़ें देख ली है, एक बार मुझे ये चीज़ें दिखा दो, जो दो चार चीज़ें बोलता है पार्टनर, देखता है पार्टनर, उसके बाद कर देता है प्लानिंग को साइन ऑफ।
तो यहाँ तक हमारी बात थी प्लानिंग किस तरीके से होती है। साइन ऑफ करता है फाइल के अंदर जो हमारी जो ABCD सॉफ्टवेयर है उसके अंदर करता है। तो ये सारी हमारी प्लानिंग की बात हुई, यहाँ तक हमारी प्लानिंग की बात हुई। इसके अंदर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।